हेलो गाइस, वेलकम टू केस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम लोग रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, तो इसको आप प्लीज़ आखिरी तक देखिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ 1 + i ((1/4)। तो यहाँ पे देखो अपने दिया कि यहाँ पे 1 + i ((1/4) दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि कॉस की कौन से एंगल पे यहाँ पे 1 होता है, दैट इज़ कॉस 0। और यहाँ पे बताओ कौन से एंगल पे यहाँ पे आपका इमेजिनरी वाला पार्ट 1 होगा, दैट इज़ π/2, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे करना है कि यहाँ पे कॉस यहाँ पे रखना है, यहाँ पे साइन रखना है, और एंगल जो होगा वो अपना क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा, तो मुझे ऐसा एंगल देखना है जहाँ पे दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होंगी। तो वो एंगल होगा 45 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं π/4। तो कॉस π/4 अपना होता है 1/√2, और साइन π/4 अपना होता है 1/√2। तो सिंस अपना 1/√2 पे एंगल सेम होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, 1/√2 उसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, लेट सपोज ये अपना हो गया 1/√2, ये अपना हो गया आई टाइम्स 1/√2 (1/4)। तो सिंस यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे √2 है, तो यहाँ पे बाहर में भी 1/√2 यहाँ पे डाल देंगे विथ पावर 1/4, ताकि ये जब अंदर घुसेगा तो √2 √2 क्या होगा, कैंसिल हो करके जो अपने क्वेश्चन में दिया हुआ था वही वापस अपने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको आगे पढ़ाते हैं। इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, जिसके हम रिटर्न है 2 की पावर 1/2 × 1/4, दैट इज़ 2 की पावर 1/8। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम लिखेंगे कॉस π/4 प्लस आई साइन π/4, ब्रैकेट के बाद यहाँ पे पावर लगा दो 1/4, ठीक है। अब सिंस यहाँ पे अपने को एंगल सेम मिल चुका है, तो हम लोग डी मुआवजे से पहले हम क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो चेंज कर लेते उसको जनरल फॉर्म में 2 की पावर 1/8, जिसका हम रिटर्न है कॉस ऑफ 2 n π + π/4। इसको ऐसे बंद कर देते हैं, फिर आई टाइम्स साइन 2 n π + π/4। इसको ऐसा हम बंद कर दिए, यहाँ पे इसको इससे ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे लिखो 1/4, इसको कुछ निकालना। ओके, यहाँ तक मुझे मिल चुका है। ओके, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 1/8 कॉस ऑफ एंगल्स, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1/4 लिखा कि नहीं, तो इसको एलसीएम ले लो। दिस कैन बी रिटन एज 8 n, यहाँ पे पाई को बाहर निकाल लूँगा, तो डिस्कम्बिलिटीनेस 8 n + 1/4, बाहर लिखो पाई, तो यहाँ पे लिखो आई साइन 8 n + 1/4 टाइम्स, यहाँ पे लिखोगे पाई, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर लो, यहाँ पे लिखो 1/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डी मोवा अप्लाई कर लेंगे। तो पाई डी मोवास थ्योरम, बाई डी मोवर्स थ्योरम वी कैन राइट 1 + i ((1/4) इक्वल्स टू 2 की पावर 1/8। अब यहाँ पे जो पावर दी है 1/4, उसको हम क्या करेंगे, एंगल में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये अपने क्या होगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे लिखो कॉस 8 n + 1/16, बाहर लिखो पाई प्लस आई साइन 8 n + 1/16, यहाँ पे लिखो पाई, ये अपना सब हो गया, उसको आप क्लोज कर लो ऐसा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू को पुट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा, 4 लिखा कि नहीं, तो यहाँ पे एन की 4 वैल्यू होंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 3। तो यहाँ पे लिखो पुट एन इक्वल्स टू 0, 1, 2 and 3, ठीक है। वी गेट, देखो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे एन की वैल्यू 4 वैल्यू होंगी, 0, 1, 2 and 3। तो 0 डालने पर देखो अपने क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 डालने पर अपने मिलेगा कॉस पाई, देखो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 1/8 है, 2 की पावर 1/8, इसको लिख दिया सा, इंटू कॉस ऑफ π/16 प्लस आई साइन π/16, ये अपना हो गया पहला वैल्यू। ओके, सेकेंड वैल्यू देखो क्या होगा, 2 की पावर अगेन 1/8 रहेगा। एन की वैल्यू को अपन जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो दिस विल बिकम 9π/16। तो दिस कैन बी रिटन एज कॉस
नाइन पाई अपॉन में 16 प्लस आई टाइम्स साइन 9 पाई अपॉन में 16, ये भी अपना हो गया। ठीक है, दो वैल्यू हो गई है। थर्ड वैल्यू लिखते हैं 2 की पावर 1/8। एन की वैल्यू को जब अपन यहाँ पे 2 पुट करें, दिस विल बिकम 16 प्लस 1 17। तो यहाँ पे लिखो कॉस 17 पाई अपॉन में 16 प्लस आई साइन 17 पाई अपॉन में 16, ये अपना हो गया। ये अपना क्या है, थर्ड वैल्यू है। तो फोर्थ वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर 1/8। यहाँ पे लिखो एन की वैल्यू 3 पुट करें, दिस इज 24 प्लस 1 25। तो यहाँ पे लिखो कॉस ऑफ 25 पाई अपॉन में 16 प्लस आई टाइम्स साइन 25 पाई अपॉन में 16। बस ये अपने क्या हो गए, रूट्स हो गए। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से बता पाया हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।